हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्ती, दोस्त, मदद करना, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी 7th क्लास के बुक में, इंग्लिश बुक में 1B पोइट्री है, बी अ फ्रेंड, जो कि लिखा गया है एडगर एगेस्ट के द्वारा। यहाँ पर इस पोएट्री में देखेंगे, बी अ फ्रेंड बाय एडगर एगेस्ट। जैसा आप लोग इस वीडियो में, इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठे हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है, कितना इंजॉय कर रहे हैं ये लोग, है ना? तो फ्रेंडशिप क्या है? अकॉर्डिंग टू यू फ्रेंडशिप क्या है, क्या होता है फ्रेंड्स? हेल्प करना, दया करना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना, किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करना, क्या है ये? तो चलिए, इस पोएट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड फ्रेंड, कि एक अच्छा दोस्त का गुण और कर्तव्य क्या है। उससे पहले हम लोग इस पोएट के बारे में, इस पोयम के पोएट के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। एडगर एगेस्ट वॉज एन इंग्लिश बॉर्न अमेरिकन पोएट। ये इंग्लिश बॉर्न अमेरिकन पोएट थे। ही हैज़ बिन कॉल्ड पीपल्स पोएट। इनको पीपल्स पोएट, लोगों का कवि कहा जाता था, क्योंकि हिज पोएम्स ऑफन हैड एन इंस्पिरेशनल एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ एवरीडे लाइफ। क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई जो पोएम्स होती थी, वो हर दिन के जीवन में हमें प्रेरणा और आशावादी होने की राह दिखाती थी। तो चलिए, इस पोएट्री को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ इस पोएट्री में 3 स्टैंजा हैं। इस पोएट्री को 3 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है, तो स्टैंजा वाइज हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ लिखा है, बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड मनी, जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी, जस्ट द विश टू हेल्प अनदर, गेट अलॉन्ग सम वे और अदर, जस्ट अ काइंडली हैंड एक्सटेंडेड आउट टू वन हु इज अनबिफ्रेंडेड, जस्ट द विल टू गिव और लेंड, दिस विल मेक यू समवंस फ्रेंड। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के मीनिंग्स भी लिखे गए हैं। जैसा यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, डिस्पोजिशन यानी प्रवृत्ति, व्यवहार, अलोंग साथ में, काइंडली दयालु यानी किसी के प्रति दया दिखाना, अनबिफ्रेंडेड मित्रहीन। चलिए, इस स्टैंजा को समझते हैं। बी ए फ्रेंड, यू डोंट नीड मनी, यानी दोस्त बनने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। चाहिए क्या? पैसे चाहिए? पैसों से हम लोग सामान खरीद सकते हैं, सब सुख सुविधा का सारा सामान हम लोग ले सकते हैं, लेकिन दोस्ती, एक सच्चा दोस्त हम लोग पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। तो सच्चा दोस्त पाने के लिए आपको करना क्या होगा? सच्चा दोस्त पाने के लिए आपको खुद एक अच्छा दोस्त बनना होगा। जब तक आप खुद एक अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, तो आपका भी कोई अच्छा दोस्त नहीं होगा। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फंडा, सिंपल सा क्या कहेंगे, सिंपल सा रूल है यहाँ पर, जो पोएट के द्वारा समझाया गया है। देखिए, बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड मनी। फ्रेंड बनने के लिए, फ्रेंड होने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी, सिर्फ आपको अपना व्यवहार में चमक लाना होगा। चमक यानी कि आपके व्यवहार से लोग आकर्षित होंगे, आपकी ओर खींचे चले आएंगे। कैसे खींचे चले आएंगे? तो व्यवहार में करना क्या होगा? जस्ट द विश टू हेल्प अनदर, गेट अलॉन्ग सम वे और अदर। सिर्फ आपको अपने में इच्छा रखनी होगी
दूसरों की हेल्प करने की, मदद करने की, चाहे वो छोटा से छोटा ही हेल्प क्यों ना हो। आप अगर किसी का हेल्प नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसका साथ दे दीजिए, है ना। जस्ट अ काइंडली हैंड एक्सटेंडेड आउट टू वन हु इज अनबिफ्रेंडेड, स्पेशली वैसे लोगों के प्रति आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा जो मित्रहीन है, जिनका कोई मित्र नहीं है। आप अगर किसी मित्रहीन के मित्र बनते हैं तो वो आपका सच्चा दोस्त होने का पूरा कोशिश करेगा। देखिए, जस्ट द विल टू गिव और लेंड, दिस विल मेक यू समवंस फ्रेंड। सिर्फ आप में ये इच्छा होनी चाहिए देने की और देने की, तो आपको किसी का दोस्त बनने में ये रूल्स काम आएंगे, है ना। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड स्टैंजा में क्या लिखा है। बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड ग्लोरी, फ्रेंडशिप इज अ सिंपल स्टोरी, पास बाय ट्रिफलिंग एरर्स ब्लाइंडली, गेज ऑन ऑनेस्ट एफर्ट काइंडली, चीयर द यूथ हु इज ब्रेवली ट्राइंग, पिटी हिम हु इज सैडली साइंग, जस्ट अ लिटिल लेबर स्पेंड ऑन द ड्यूटीज ऑफ अ फ्रेंड। कि दोस्त बनने के लिए आपको बहुत ही फेमस, महिमा की भी ज़रूरत नहीं है, फेमस होने की आवश्यकता नहीं है दोस्ती में, ना पैसा चाहिए ना ही आपको फेमस होने की आवश्यकता है। फेमस इट मीन्स कि आप बहुत ही विख्यात हैं, आप के पास बहुत पैसा है, आपको सब लोग जानते हैं, तो आपके फ्रेंड्स होंगे? नहीं, सबको ही आपकी तारीफ करेंगे, आपको अच्छा बोलेंगे। लेकिन भी फ्रेंडशिप इट इज़ डिफरेंट थिंग। देखिए क्या है, फ्रेंडशिप इज़ अ सिंपल स्टोरी, फ्रेंडशिप जो है एक साधारण सा कहानी है, जिसमें पास बाय ट्रिफलिंग एरर्स ब्लाइंडली, जिसमें हमें कुछ छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करना होगा। किसकी गलतियों को? अपने दोस्त की गलतियों को। देखिए, हम इंसान हैं और हम लोग, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, तो हम सबसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं। तो अगर आप आपका कोई दोस्त है, आप हमेशा उसको उसका गलती ही दिखाते रहेंगे, तो फिर उसको लगेगा कि ये मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। तो दोस्त बनने के लिए छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देना होगा। गेज ऑन ऑनेस्ट एफर्ट काइंडली, चीयर द यूथ हु इज ब्रेवली ट्राइंग। आपको ईमानदारी से उनके प्रति दयालु प्रवृत्ति रखना होगा, व्यवहार रखना होगा, और हमें वैसे बच्चों को, यूथ को हमेशा चीयर करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जो लोग बहुत ही हिम्मत करके ये सब कोशिश करते रहते हैं दोस्त बनाने की कोशिश। पिटी हिम हु सैडली साइंग, और वैसे लोगों पर भी दया दिखानी चाहिए जो लोग दुख में होते हैं, दुखी में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। जस्ट अ लिटिल लेबर स्पेंड ऑन द ड्यूटीज ऑफ अ फ्रेंड। सिर्फ ये फ्रेंडशिप का, फ्रेंड का कर्तव्य निभाने के लिए इन थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। थर्ड स्टैंजा में क्या लिखा है देखिए। बी ए फ्रेंड, द पे इज बिगर, दो नॉट रिटन बाय ए फिगर, देन इज अर्न बाय पीपल क्लेवर, इन वर्ड्स मेयरली सेल्फ एंडेवर, यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ नेबर्स, फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर, यू विल बी रिचर इन द एंड देन अ प्रिंस इफ यू आर अ फ्रेंड। यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, बी ए फ्रेंड, द पे इज बिगर, दो नॉट रिटन बाय अ फिगर। यहाँ पर दोस्त बनने के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, बहुत बड़ा कीमत आपको पे करना होगा। कितना, कौन सा कीमत? लाख, 2 लाख, 100 रुपया, 200 रुपया, ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। कीमत क्या है? कीमत को पैसों में तोला भी नहीं गया है। उसका कीमत क्या होगा?
देन इज अर्न बाय पीपल क्लेवर, और ये चीज़ सिर्फ चालाक लोगों के द्वारा ही कमाया जाता है। आपके अगर अच्छे दोस्त हैं मतलब आप बहुत चालाक हैं, आप एक अच्छे दोस्त हैं तब आप बहुत ज़्यादा ही चालाक हैं। देखिए इन वर्ड्स मेयरली सेल्फ एंडेवर, और ये चीज़ ये कमाई आपकी दोस्ती की कमाई आपकी सिर्फ खुद के प्रयास से ही संभव हो पाएगा। यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ नेबर्स फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर। आप अगर प्रयास करते हैं दोस्त बनाने की तो आपको दोस्त ढूंढने के लिए दूर दूर आपको जाना नहीं होगा, आपके पड़ोसी ही आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। आप अगर प्रयास करेंगे तो यू विल बी रिचर इन द एंड देन अ प्रिंस इफ़ यू आर अ फ्रेंड। आप अगर एक खुद अच्छे फ्रेंड हैं, आपके अगर बहुत सारे दोस्त हैं, आपके नेबर की जगह आपके दोस्त ही हैं, तो आप एक प्रिंस से एक राजकुमार से ज़्यादा अमीर हैं आप। यस दोस्तों बच्चों, हम लोग सिर्फ पैसों के पीछे ही ये दुनिया भागते रहती है, लेकिन अगर अंत में हमारे पास पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन प्यार से दो शब्द पूछने के लिए बात करने के लिए हमारे फ्रेंड्स ही नहीं हैं, तो भी वो पैसा का उस समय कुछ मोल नहीं रह जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है बी अ फ्रेंड द पे इज़ बिगर, कि फ्रेंड बनने के लिए, फ्रेंड होने के लिए उसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चाहिए, जो कि यहाँ पर फिगर में नहीं है, वो सिर्फ चालाक लोगों के द्वारा ही कमाया जाता है। थैंक यू सो मच बच्चों, होपफुली आपको ये वीडियो, ये पोयम, जो कुछ भी मैंने अभी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।